हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, इंडिया टू होस्ट सेकंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट टुडे। तो ये ग्लोबल साउथ समिट जो है ये इंडिया होस्ट करने वाला है, देखते हैं क्या है। इंडिया विल होस्ट द सेकंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट फ्राइडे इन वर्चुअल फॉर्मेट इन व्हाट विल बी द सेकंड टाइम सिंस जनवरी। तो ये जनवरी से दूसरी बार हो रहा है दिस ईयर। द सेकेंड समिट विल स्टार्ट विथ एन इनॉग्रल लीडर सेशन चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन द मॉर्निंग। तो ये तो भाई होना ही है कि इनसे ही सेशन स्टार्ट होगा आपका। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेड दैट इंडिया हैड होस्टेड द इनॉग्रल वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट VOGSS। देखिए, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट VOGSS ऑन 13 जनवरी 2023 वर्चुअली। दिस यूनिक इनिशिएटिव ब्रॉट टुगेदर 125 कंट्रीज ऑफ द ग्लोबल साउथ टू शेयर देयर पर्सपेक्टिव्स एंड प्रायोरिटीज ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म। तो हम लोग देखिए 125 ग्लोबल साउथ कंट्रीज को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप अपना पर्सपेक्टिव रखिए, अपना बात रखिए। इसमें कितने 125 ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं। थ्रू आउट इट्स G20 प्रेसिडेंसी द MEA सेड इंडिया हैज वर्क टू इंश्योर दैट द कंसर्न्स ऑफ ग्लोबल साउथ रिसीव ड्यू कॉग्निशंस एंड दैट द प्रायोरिटीज ऑफ द ग्लोबल साउथ वर ड्यूली फैक्टर्ड इन फाइंडिंग सोल्यूशन टू द मोस्ट प्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस। द सेकेंड समिट वुड फोकस ऑन शेयरिंग विद कंट्रीज ऑफ ग्लोबल साउथ द की आउटकम अचीव्ड इन वेरियस G20 मीटिंग्स ओवर द कोर्स ऑफ इंडियाज प्रेसिडेंसी। तो यहाँ पे क्या क्या हमने अचीव किया है वो सारी चीज़ें उनके साथ शेयर की जाएगी। द चैलेंजेस पोज्ड बाय ग्लोबल डेवलपमेंट आर ऑल्सो लाइकली टू बी डिस्कस्ड। फर्दर द समिट विल सर्व एज अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस वेज टू सस्टेन इन मोमेंटम जनरेटेड टूवर्ड्स आर कॉमन एस्पिरेशन ऑफ अ मोर इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेटिव एंड प्रोग्रेसिव वर्ल्ड ऑर्डर। तो अब देखिए, कई बार क्या होता है, ग्लोबल साउथ वॉइस को हम इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पे इंडिया का यही मोटिव है कि उसको इग्नोर ना किया जाए, और जहाँ पे हमारा कॉमन पर्सपेक्टिव है, एस्पिरेशन है, वहाँ पे वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ प्रोग्रेसिव स्टेप लिया जाए। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ऑर्डर आपका हो गया, पहले तो एक यूनिपोलर था जैसे USA था, अब बाईपोलर, पहले फिर आपका USA और वो रशिया, फिर चाइना आ गया। तो ये मल्टीलेटरल वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, हर जगह वहाँ पे पावर पॉकेट्स बन रहे हैं, इंडिया भी मर्ज हो रहा है एज अ पावर पॉकेट। तो इसलिए वर्ल्ड ऑर्डर कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो हमें ये नया वर्ल्ड ऑर्डर ग्लोबल साउथ के साथ कॉमन, क्या है कि 125 कंट्रीज जब इंडिया के फेवर में रहेगी तो हम अपने आप ही एक बहुत बड़े वर्ल्ड ऑर्डर बनेंगे। तो वो चीज़ है कि हम साथ में लेकर चलना चाह रहे हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ करना चाह रहे हैं। अकॉर्डिंग टू MEA द सेकेंड समिट विल बी स्ट्रक्चर्ड इन टू 10 सेशन। द इनॉग्रल एंड कंक्लूड सेशन विल बी हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट लेवल एंड होस्टेड बाई PM मोदी। द थीम ऑफ द इनॉग्रल लीडर सेशन इज टुगेदर फॉर एवरी वन ग्रोथ विथ एवरी वन ट्रस्ट। तो ये आपका थीम है, ये कहीं किसी भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है ये थीम किसका है। टुगेदर फॉर एवरी वन ग्रोथ, सबके ग्रोथ के लिए, सब लोग एक साथ, विथ एवरी वन ट्रस्ट और सबके ट्रस्ट के साथ। एंड दैट ऑफ द कंक्लूडिंग लीडर सेशन इज ग्लोबल साउथ टुगेदर ऑफ वन फ्यूचर। तो जो कंक्लूड होने वाला है उसका थीम यह है, टुगेदर फॉर वन फ्यूचर। इन एडिशन देर विल बी 8 मिनिस्ट्रियल सेशन विद द फॉलोइंग थीम्स। फॉरेन मिनिस्टर सेशन ऑन इंडिया एंड द ग्लोबल साउथ इमर्जिंग टुगेदर फॉर अ बेटर फ्यूचर। एजुकेशन मिनिस्टर सेशन ऑन मेकिंग ह्यूमन रिसोर्स फ्यूचर रेडी। फाइनेंस मिनिस्टर सेशन ऑन फाइनेंसिंग पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट। एनवायरमेंट मिनिस्टर सेशन ऑन सस्टेनेबल सोल्यूशन ऑफ क्लाइमेट रेजिलियंस एंड क्लाइमेट फाइनेंस। इट विल ऑल्सो इंक्लूड फॉरन मिनिस्टर सेशन ऑन ग्लोबल साउथ एंड वन डेवलपमेंट। एनर्जी मिनिस्टर सेशन ऑन अफोर्डेबल एंड इंक्लूसिव एनर्जी ट्रांजिशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हेल्थ मिनिस्टर सेशन ऑन सोल्यूशन फ्रॉम द ग्लोबल साउथ फॉर वन हेल्थ एंड वन कॉमर्स। ट्रेड मिनिस्टर सेशन ऑन ग्लोबल साउथ एंड रेजिलियंट सप्लाई चेन। ये सारे अलग अलग अपने मिनिस्ट्री अपना अपना मोटो लेके यहाँ पे बात करेंगे। इन्वायरमेंट वाले इन्वायरमेंट पे ध्यान देंगे, ट्रेड वाले ट्रेड पर ध्यान देंगे, आपके ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वाले आपके ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे, एजुकेशन वाले भी फ्यूचर रेडी करने के लिए ध्यान देंगे आपके,
और आप देखिए फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पे बात करेंगे आपस में कि कैसे एक साथ चला जाए, एक ग्लोबल साउथ को बेटर फ्यूचर लिए लेकर चला जाए, इन्वायरमेंट वाले आपके सस्टेनेबल सोल्यूशन को लेकर चलेंगे, ये सारे अपने मिनिस्ट्री एक एक मोटो लेकर चलेंगे। दी 8 मिनिस्टर सेशन विल इंक्लूड 2 फॉरेन मिनिस्टर सेशन, 1 मिनिस्टर सेशन ईच ऑफ एजुकेशन, फाइनेंसमेंट, एनर्जी, हेल्थ एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री एंड कंक्लूडिंग लीडर सेशन इन द इवनिंग। तो आप देखिए इसमें नए 8 में से 2 तो आपके फॉरेन मिनिस्टर वाले सेशन हो गए, और उसके बाद से एक एक सब्जेक्ट हो गए, एजुकेशन, फाइनेंस, इन्वायरमेंट, एनर्जी, हेल्थ एंड कॉमर्स, ये सारे हो गए। उसके बाद से एक स्टार्ट होगा, एक एंड होगा। स्टार्ट वाले का मोटो आपका ये रहा टुगेदर फॉर एवरी वन ग्रोथ विथ एवरी वन ट्रस्ट, एंड वाले का ये हो गया टुगेदर फॉर वन फ्यूचर। सोर्सेस सेड दैट द कंट्रीज फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड वुड बी पार्टिसिपेटिंग, पैसिफिक आइलैंड्स इन ईस्ट टू लैटिन अमेरिका इन वेस्ट। अब आप देखिए पैसिफिक आइलैंड इन ईस्ट का क्या मतलब है, यहाँ पे ये रहा इंडिया, इंडिया के ईस्ट में पैसिफिक आइलैंड, और यहाँ से लैटिन अमेरिका आपको इसको बोला जाता है, तो यहाँ पे पैसिफिक आइलैंड है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आप समझो, अगर आपका अर्थ हम लोग देखे ऐसे गोल है, जस्ट अ सेकंड, हम लोग आपका गोल है, अगर इसको मैं पैसिफिक ओशन बोल रहा हूँ, ये आपका मान लो पैसिफिक ओशन में इसको बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे आपका लैटिन अमेरिका है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे इंडिया है आपका, ये पूरा एशिया, ये चाइना, ये रशिया, तो ये बोल रहे इस कोने से लेके इस कोने तक लैटिन अमेरिका। तो आप देखो घूम के हम लोग देखेंगे पूरा वर्ल्ड कवर हो जा रहा है, तो ये बोला गया है कि पैसिफिक ओशन से लेके आपके घूम के आ रहे हैं लैटिन अमेरिका तक, तो हम लोग पूरा वाटर बॉडी और लैंड मास कवर कर ही रहे हैं। तो ये है लैटिन अमेरिका इन द वेस्ट। द की फोकस वुड बी टू शेयर द बेनिफिशियल आउटकम एंड प्रोग्रेस अचीव्ड इन द कंसर्न्स प्रायोरिटीज ऑफ द ग्लोबल साउथ ड्यूरिंग इंडिया G20 प्रेसिडेंसी, ऑल्सो टू डिलिब्रेट ऑन द वे फॉरवर्ड फॉर द ग्लोबल साउथ टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव, द सोर्सेज सेड। द थीम ऑफ द फर्स्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट वॉज यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस एंड हैड अ टोटल ऑफ 10 सेशंस एंड सॉट टू सीक इनपुट्स फ्रॉम द ग्लोबल साउथ फॉर द एजेंडा ऑफ भारत G20 समिट। तो आप देखें यहाँ भी भारत बोला गया है, आर्टिकल 1 फिर से हमारे ध्यान में आना चाहिए। अब एक बार देख लें एग्जाम इंटरव्यू से हमारे लिए इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए सबसे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है G20, ठीक है, सेकंड हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है भारत भारत वर्सेस इंडिया वाला डिबेट आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, इसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 देखना पड़ेगा, ठीक है, और बहुत सारे मैंने आर्टिकल्स इसमें कवर किए हैं, बहुत सारे लोगों के इसमें अलग अलग ओपिनियंस मैंने कवर किए हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में। और थर्ड आप देखिए, थर्ड यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ग्लोबल ग्लोबल साउथ समिट, ठीक है, हमें पता होना चाहिए VOGSS क्या है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, ठीक है, किधर गया आपका वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट VOGSS, ठीक है, इस साल दो रहे कितने कंट्रीज है, 125 कंट्रीज है, ठीक है, फोकस क्या है, प्रायोरिटीज ऑफ अ कॉमन प्लेटफॉर्म परस्पेक्टिव, तो इनके परस्पेक्टिव जानने हैं, इनके प्रायोरिटीज जानने हैं, और इनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म दिया जाए कि भाई आप बोलो हम लोग सुनेंगे आपकी बात को, ठीक है, वर्क टू इंश्योर कंसर्न ऑफ ग्लोबल साउथ रिसीव, ये सारा ग्लोबल साउथ का हमें बात सुनना है। स्टार्टिंग में मोटो क्या है, टुगेदर फॉर एवरी वन ग्रोथ विथ एवरी वन ट्रस्ट, जो एंड होगा उसका मोटो क्या है, टुगेदर फॉर वन फ्यूचर, ये अलग अलग मिनिस्ट्रीज अपना अलग अलग सेशंस करवाएंगी, 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री है, फिर एजुकेशन, फाइनेंस, इन्वायरमेंट, एनर्जी, हेल्थ एंड कॉमर्स, ये सारे अपना अपना सेशन होगा इनका। कहाँ से कहाँ तक है, पैसिफिक आइलैंड, ये इंडिया है, इंडिया के यहाँ पे ईस्ट में आपका पैसिफिक आइलैंड है, और इंडिया के वेस्ट में आपका लैटिन अमेरिका है, मतलब उसको साउथ अमेरिका बोलिए, ब्राज़ील वाला, चिली वाला, तो और वो सच देखे तो यहाँ पर है वो साउथ अमेरिका, तो मतलब इस कोने से लेके इस कोने तक, मतलब पूरा अर्थ हम इसमें कवर कर रहे हैं, तो ये पूरा ये है। और आप देखिए इसमें एजेंडा क्या है भारत G20 समिट, इसमें हम लोग अलग अलग इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करवाएंगे, क्या क्या G20 में हम लोग बात किए, देखिए रिप्रेजेंटेटिव एंड प्रोग्रेसिव वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो
So thank you guys. Please work hard to achieve all your dreams.